नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। गुजरात की इस बड़ी जीत से राज्यसभा में पार्टी को फायदा होगा। बीजेपी पहली बार रिकॉर्ड बनाएगी, जब 2026 तक गुजरात से सभी 11 राज्यसभा सदस्य पार्टी के होंगे। फिलहाल गुजरात से राज्यसभा में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 3 सदस्य है। अगले साल अगस्त में उच्च सदन में सीटें खाली हो रही, 3 सीटों पर बीजेपी अपनी सदस्य बनाएगी। बीजेपी अप्रैल 2024 में होने वाले चुनाव में 4 में से 2 अतिरिक्त सीटें हासिल करेगी और जून 2026 में होने वाले चुनाव में अन्य 4 सीटों में से 1 और सीट हासिल करेगी, जिससे राज्य में इसकी कुल संख्या 11 हो जाएगी। बड़े राज्यों में इस तरह की उपलब्धि बेहद कम देखने को मिलती है, खासकर तब जब एक राज्य से 1 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा हो। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी कि 9 दिसंबर को कानपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां VSSD कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान 330 करोड़ रुपए के 258 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके लिए मैदान में 258 पत्थर लगाए गए हैं। इसमें 144 करोड़ से हुए 102 कार्यों का शिलान्यास होगा, वहीं 186 करोड़ से 156 कार्यों का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से ही रिमोट का बटन दबाकर परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए जनसभा मैदान में 258 पत्थर लगाए जाएंगे। रिमोट का बटन दबाते ही पत्थर से पर्दा हटेगा। सम्मेलन को प्रशासन ने VSSD कॉलेज में तैयारियों को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उधर बिहार में सुशासन बाबू शिक्षा के नाम पर करोड़ों अरबों के खर्च का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। ताजा मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां कई वर्षों से विद्यालय चल रहा है, लेकिन यहां आज तक बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी भवन नहीं है। ठंड का समय हो या फिर गर्मी का, बच्चों को झोपड़ी में नीचे जमीन पर बिठाया जाता है। साथ ही सरकार स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय निर्माण करा रही है, लेकिन विद्यालय में एक भी शौचालय नहीं है, जिसके कारण शिक्षिका शिक्षक बच्चे प्रतिदिन परेशानी झेलते हैं। सरकार के अधिकारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं। कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिलता है पर काम कुछ नहीं होता है। विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो आपको लैट्रिन बाथरूम जाने में दिक्कत भी होती है, परेशानी भी होती है, बहुत दिक्कत होती है। महिला क्या चीज क्या कमी है? शौचालय है ना, बाथरूम है ना, लैट्रिन है, घर में इतना ठंडा तो चलिए ठीक है, गर्मी में तो चक्कर आ जाता है गर्मी से। लेकिन हम विद्यालय के नाम पर सर दे दिए, तो कपिलेश्वर यादव दुलारी देवी मुखिया था सर, उसी के स्थान में हम सर दे दिए थे, लेकिन उसी के रवज में हम रजिस्ट्री भी कर दिए, लेकिन आज तक इतने पदाधिकारी रो रो के कहे हैं हम सर, लेकिन कोई पदाधिकारी आज तक नहीं, मास्टर का कष्ट, नहीं बाल बच्चा का कष्ट, नहीं मेरे अरमान का कोई पूरा करने वाले सर कोई नहीं। समस्या अगर देखिए आप अभी खोज रहे, हम क्या बताएंगे सर, से लाचारी है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। वही बिहार के दरभंगा में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान का बगीचे में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें जियाउर रहमान रात से ही लापता थे, उसके बाद उनका शव पास के एक बगीचे में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस पर्याप्त तथ्यों के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। रात में ऐसे 7-8 बजे तक उन काम चलता है, यहाँ चौक पे घर बन रहा था, वो मकान बनवा रहे थे, तो 8 बजे 9 बजे आते ही, तो 8 बजे 9 बजे तक हम लोग नहीं पूछता खबर के लेते, उसके बाद नहीं आए तो फर्स्ट खबर लिया, फोन किए नहीं मिला, तो फिर आर्मी लोग भेजवाए, तो सुबह में पता चला, सुबह में जाके 6 बजे करीब पता चला। कैसे पता चला आपने? हम तो चले गए थे शिवधारा, हमको नहीं पता चला, तो गांव का हमसे फोन किया, कोई आदमी कैसे हो गया है, तो यहाँ पे गिरा हुआ लग रहा है, खून हो गया, वो कन्फर्म नहीं था, बोल रहा खून हो गया ऐसा, तो हम फिर वहां से आए, यहाँ भीड़ लगा हुआ, देखिए पाया है कि बॉडी स्टिफ हो गई है, लग रहा है देर रात का मामला है, और कुछ संघर्ष के चिन्ह भी दिख रहे हैं। क्या रिकॉर्ड सर क्या हो गया? संभव पीछे के सगे पीछे से भी चोट लगी है, उससे मृत्यु होने की संभावना है, बाकी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, डॉग स्क्वाड आई हुई है, एफएसएल टीम आ रही है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।